नमस्कार, मैं आपके सामने दो तस्वीरों को प्रस्तुत कर रहा हूं। एक तस्वीर स्वर्गीय पुनीत राजकुमार जी का है, जिनका निधन हो गया, और उनके बारे में देश के अधिकतर लोगों को मालूम तब चला जब वो दुनिया छोड़कर चले गए थे। ये फिल्म कलाकार थे। दूसरी तस्वीर अमिताभ बच्चन की है, जिनके बारे में देश ही नहीं पूरी दुनिया को इस बात की जानकारी है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है और भारत के लोग उसे महानायक के तौर पर जानते हैं। अमिताभ बच्चन के द्वारा इस देश के अंदर महानायक होने के दर्जे के अनुरूप कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके लिए लोग इनको याद रखें। हाँ, जमीन को टैक्स से बचाया जा सके, इसके लिए इनके द्वारा 1-2 का 4 जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी हम लोग इनको महानायक कहते हैं। और जो वाकई महानायक कहलाने के लायक था उसे इस देश के ज्यादातर लोग जानते भी नहीं है। पुनीत राजकुमार का समाज के प्रति जो योगदान था वह अविस्मरणीय रहा, और एक नायक को समाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, पुनीत राजकुमार उसके पथ प्रदर्शक हैं। हम सब उनको नमन करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को हम अपने सर पर बिठा करके घूम रहे हैं ना, वह व्यक्ति समाज के लिए एक भी अंश का दान नहीं करता है। समझने की कोशिश कीजिए। पुनीत राजकुमार जी के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये जो हरामखोर मीडिया है, ये जो गोदी मीडिया है, ये बातें आपको नहीं बताएगी। वो तो आर्यन खान की न्यूज कवर कर रही है, शाहरुख खान की न्यूज कवर कर रही है। कन्नड़ फिल्मों के सबसे लोकप्रिय अभिनेता स्वर्गीय राजकुमार के पुत्र पुनीत राजकुमार की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, परलोकवासी हो गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि पुनीत राजकुमार 46 अनाथ आश्रम, 19 गौशाला और 16 वृद्धाश्रम चलाते थे। प्रधानमंत्री राहत कोष में 50 लाख रुपए डोनेट कर चुके थे और अब बालिका शिक्षा पर काम करना चाहते थे। सोचिए, 1800 अनाथ बच्चों को भी गोद लिया हुआ था, जिनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा यही उठाते थे। किसी भी खेल सामाजिक आयोजन के लिए एक पैसा नहीं लेते थे। कौन बनेगा करोड़पति जो कन्नड़ में होता था, उसके एंकर थे ये। और एक बार आयोजकों ने एक सवाल हिंदू धर्म के बारे में बड़े ही आपत्तिजनक तरीके से रखा, तो इन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया, बंद करवा दिया था शो। कई बार स्वयं गाना गाकर चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा कर चुके थे, कई बार अपनी मेहनत से पैसे जोड़ते थे और उसको वो चैरिटी के तौर पे इस्तेमाल करते थे। सारे कार्य, सारे धार्मिक कार्य अपने मेहनत द्वारा की गई कमाई से करते थे। धर्म के प्रति ऐसा सम्मान और आस्था रखने वाले एक ऐसे धर्मनिष्ठ का बहुत ही दुखद घटना है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, परिवार को शक्ति मिले, उनके फैंस को भी हिम्मत मिले।